हाय, वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हेडिंग है एसटीटी 2023 की वेब कॉपी सत्यापन के लिए होगी मान्य। साथ ही डीएलएड का जो एग्ज़ाम आया है उसकी भी वेब कॉपी जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई है वो भी मान्य होगी। तो ये मैंने आर्टिकल लिया है आज के प्रभात खबर के पटना संस्करण से। तो आइए आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2023 वो डीएलएड की वेब कॉपी जारी कर दी है। समिति ने कहा है कि यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मान्य होगी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगी उसे किसी गेजेटेड ऑफिसर से एटेस्टेड कराना है, उसके बाद अपलोड करना है, फिर उसको डाउनलोड करना है ताकि उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क या डिजिटल लोगो जो है वो आ जाए। तो आगे देखेंगे, आप लिखा हुआ है कि समिति ने कहा है कि एसटीटी 2023 वो डीएलएड 21-23 में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व संबंधित को कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल 3 अक्टूबर व डीएलएड का फेज टू पाठ्यक्रम 21-23 का परीक्षाफल 14 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। दोनों परीक्षाओं के लिए प्रकाशित परीक्षाफल का वेब कॉपी दोबारा अपलोड किया गया है, यह सत्यापन के लिए मान्य होगा। तो जो भी अभ्यर्थी डीएलएड के थे, अभी तो डीएलएड है और आगे एसटीटी बीपीएससी टीआरई 2 में आएंगे वो, तो 2 के तो शायद सर्टिफिकेट आ जाए, लेकिन अभी डीएलएड के लिए जो वेब कॉपी उपलब्ध है वही उनके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए मान्य होगी, ऐसा बिहार बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है। उसी के आधार पर पेपर में ये आर्टिकल छपा है। तो हमारी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट।